नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बीई बीटेक डिप्लोमा के लिए वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है, तो इस जॉब से रिलेटेड इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि यह जॉब पुणे कंटोनमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अनाउंस की जा रही है, यानी कि पुणे छावनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यह जॉब अनाउंस की जा रही है। और यहाँ पर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बीई बीटेक डिप्लोमा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 4 मार्च 2023 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, और यदि हम लास्ट डेट की बात करें तो 4 अप्रैल 2023 को इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। फॉर्म फिलअप फीस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जनरल ओबीसी एनसीएल को 600 रुपये पे करने होंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और इसके साथ साथ एसटीएससी ईडब्ल्यूएस और इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 400 रुपये पे करने हैं। एज काउंट डेट की बात करें तो 4 अप्रैल 2023 है, और प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट दी गई है, इसलिए आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एज लिमिट पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिविल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल बीई बीटेक डिप्लोमा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं कि इस बुक में सिविल इंजीनियरिंग प्राइवेट जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड 500 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन आंसर प्रत्येक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। तो इस बुक को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन डाउनलोड का लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन डाउनलोड पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली जब आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर बीई बीटेक और इसके साथ साथ डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीई बीटेक डिप्लोमा लिखा हुआ है। इसके साथ साथ यदि हम सिविल और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो थोड़ा आप नीचे आएंगे तो 23 नंबर की जॉब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल अप्लाई कर सकता है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपका डिप्लोमा इन सिविल बीई बीटेक होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा या फिर बीई बीटेक इन सिविल में होना चाहिए। नेक्स्ट 22 नंबर की जॉब आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा या फिर बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारी जॉब है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए बहुत सारी जॉब है, ठीक है। और एज लिमिट की पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप पूरी लिस्ट प्रत्येक पोस्ट के लिए अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम फॉर्म अप्लाई की बात करें तो सिंपली आपको उसी पेज पर फिर से बैक जाना है। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया गया है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू 168 पोस्ट, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। पेज ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर अप्लाई का लिंक दिया गया है, इसी पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन भी दिया गया है, यदि आपसे साइन इन बोलेगा तो आपको साइन इन भी करना पड़ेगा। तो अप्लाई पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। तो इस जॉब से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी अच्छी अच्छी जॉब आएंगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही जल्दी से मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।